नमस्कार। टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस मुठभेड़ में दो वाहन चोर गिरफ्तार हुए हैं। प्रतिबंधित राइफल व सात चोरी की मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद किया है। बता दें कि थाना कोतवाली पुलिस मुठभेड़ में दो वाहन चोरों को गिरफ्तार किया और उनके पास से एक नजायज तमंचा, जिंदा कारतूस, एक फायर शुदा खोखा कारतूस, प्रतिबंधित राइफल व सात चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। बता दें कि विशाल पुत्र मंटूराम निवासी मोहम्मद कुंदीगढ़ थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा 27 अप्रैल को स्वयं की गाड़ी घर के बाहर से किसी व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया था। इस तरह की तहरीर दी गई थी, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने आज बड़ी सफलता हासिल की है और आज पुलिस मुठभेड़ में दो वाहन चोरों को गिरफ्तार कर इनके पास से मोटरसाइकिल चोरी के मोटरसाइकिल बरामद कर लिया है और साथ ही साथ तमंचा व कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। बताया गया है कि इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी बदरका की भी अहम भूमिका रही है। ये कल कोतवाली पुलिस द्वारा एक मुखबिर की सूचना पर कि दो सातर चोर यहाँ से निकल रहे हैं, तो पुलिस द्वारा जो वहाँ पर एम्बुश लगाया गया, तो करतालपुर की पुलिया पर दो सातर बदमाश वहाँ से मोटरसाइकिल से गुजरे, उनके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। तो दौरान पुलिस मुठभेड़ इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से उसी वक्त दो मोटरसाइकिल और एक तमंचा बरामद हुआ। बाद में ये पूछताछ में पता चला ये सातर चोर हैं, वाहन चोर, और इनके निशानदेही पर पाँच अन्य मोटरसाइकिलें भी बाद में बरामद हुई। इस तरीके से ये वाहन चोरों का एक गैंग है जो पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया। सर ये पहले भी जी कहाँ बेच रहे थे? ये सब अभी पकड़े गए हैं। अब ये पूछताछ का हिस्सा है कहाँ सप्लाई करते थे। जनरली ये लोग मतलब पब्लिक को ही अलग अलग देते हैं, तय करके सस्ते दामों में चोरी की मोटरसाइकिल लेते हैं। सर जो गाड़ियाँ मिली कहाँ कहाँ की हैं? इनमें से तीन मोटरसाइकिल लिंक हो गई हैं, बाकी मोटरसाइकिल अभी लिंक की जा रही हैं। दो तो अपने जनपद की हैं और दो अन्य जनपदों की। अभी तक तो ये दो का ही पता चल रहा है, लेकिन और इनसे पूछताछ की जा रही है। अगर जो और इसमें शामिल होंगे पूरे गैंग को पर्दाफाश करते हुए गिरफ्तार किया जाएगा। सर इन अपराधियों का बैकग्राउंड भी है कुछ? क्रिमिनल हिस्ट्री की अभी जानकारी की जा रही है। अभी तक कोई इनके अलावा ये और कोई मुकदमा इनके ऊपर नहीं निकला पाया गया है। अभी दो ही अभियोग इनके विरुद्ध पंजीकृत पाए गए हैं, बाकी क्रिमिनल हिस्ट्री तलाश की जा रही है। ठीक सर।